परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते। आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमको इस जगह पर इकट्ठा किया और परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से बाइबल से रसूल आदि कर्तव्य प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम रसूल आदि कर्तव्य चैप्टर दो 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 का एक से चार अज जीबा वखरिया वखरिया होंदिया दिखाई दित्तियां हरेक उत्ते ठहरी तद ओ सभे पवित्र आत्मा नाल भर गए अते होर बोलियां बोलन लग पे जिवें आत्मा ने उन्हां नूं बोलन दिता। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, अपना तन मन लगाकर, ताकि उस वचन को हम कानों के जरिए हमारे दिल के अंदर उतार सके और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार हम चल सके, क्योंकि हमारे परमेश्वर जिंदा है और उनके वचन भी जिंदा वचन है और हमारे परमेश्वर अपने वचन से हम सभी के साथ वो बातचीत करते हैं। हालेलुया। तो आज भी परमेश्वर अपने वचन के साथ हम सभी के साथ बात करने वाले, तो पूरे ध्यान से परमेश्वर की आवाज़ जो है वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। बाइबल में एक इंसान हो गया जिसका नाम था यूसुफ, और यूसुफ जो थे जब वो 17 साल के थे तभी उनके जो भाई लोग जो थे उसकी ईर्ष्या करते थे, उसे नफरत करते थे, क्योंकि यूसुफ जो थे परमेश्वर ने वादा किया था उससे कि मैं तुझे तेरे भाइयों से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा, और इस कारण से उसके भाई लोग जो थे उससे नफरत करते थे। उसके भाई लोगों ने एक बार यूसुफ को गुलाम बनाकर बेच दिया और जो इस्माइली लोग थे उसको खरीद कर लेकर गए। उन लोगों ने जाकर मिस्र देश में जो फिरौन का एक खास इंसान था पोटीफार उसके वहाँ उसको बेच दिया। वहाँ पर ये यूसुफ जो थे वो वहाँ पर गुलाम बनाए गए। वहाँ पर कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि पोटीफार की जो पत्नी थी उसने गलत निगाहें यूसुफ के ऊपर डाली और उसने यूसुफ को एक झूठे इल्जाम में फंसा दिया। जब पोटीफार को पता चला कि यूसुफ ने कुछ गलती की, गलती तो की नहीं थी लेकिन उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा हुआ था, तो पोटीफार को नहीं पता चला, उसको ऐसा कि मेरी पत्नी सही है, तो उसने यूसुफ को जाकर जेल में डाल दिया। उस वक्त अगर यूसुफ चाहते तो अपनी सफाई दे सकते थे, यूसुफ चाहते तो पोटीफार को बता सकते थे कि पोटीफार मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन सिर्फ बेगुनाह हूँ इतना बोलने से उसका काम नहीं होने वाला था। अगर यूसुफ को बचना था जेल से तो यूसुफ को सारी बात बतानी पड़ती और उसको ये भी बताना पड़ता कि पोटीफार तेरी जो पत्नी है वही सही नहीं है और वो मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है, मतलब किसी का गुनाह किसी का पाप बाहर खुला करना, वो काम यूसुफ को करना पड़ता अगर वो बचना चाहते। लेकिन यूसुफ ने वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने अपना मुंह बंद रखा और यूसुफ जो है वो कुछ भी नहीं बोले और यूसुफ चुपचाप जल के हवाले हो गए। जब परमेश्वर ने
मूसा का इस्तेमाल किया और मूसा के जरिए मिस्री लोगों के हाथों से, फिरौन के हाथों से जब इज़राइल लोगों को बाहर निकाला, छुड़ाया उनको, और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि समुंदर के रास्ते से आप आगे बढ़ो, और मूसा पूरे इज़राइलियों को लेकर वो समुंदर के रास्ते पर आगे बढ़े। जब समुंदर के रास्ते पर आगे बढ़े तो रास्ता वहाँ समुंदर के पास जाकर ख़त्म हो चुका। समुंदर के रास्ते पर वो रास्ता जो था वो समुंदर के पास आकर ख़त्म हो जाता था और वहाँ से दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। अभी अगर वो लोग वापस आते हैं तो वापस वही मिस्र देश है। जब फिर उनको पता चला कि ये लोग समुंदर के रास्ते पर गए और वहाँ आगे तो कोई रास्ता है ही नहीं, ये लोग फंस चुके, तो चलो वापस जाते और उनको गुलाम बनाकर आते। फिर उन्होंने अपनी सेना को लेकर गया और जब इज़राइल लोगों ने देखा कि एक बार फिर फिरौन आ रहा है, अपनी सेना को लेकर आ रहा है, तब ऐसा हुआ कि सभी लोग डर गए और सभी लोग मूसा के खिलाफ हो गए और मूसा को जोरों जोरों से बोलने लगे कि मूसा, क्या मिस्र देश में कब्रें नहीं थी? क्या हम वहाँ पर नहीं मर जाते? क्या हमने तुझे मना नहीं किया था कि हमको आज़ादी नहीं चाहिए, हमको गुलामी करने दे, तुमको छुड़ाकर क्यों लेकर आया? अभी सही में ऐसा नहीं हुआ था, सही में इज़राइल लोग रो रहे थे, वो चाहते थे कि हमारी आज़ादी हो जाए। जब मूसा उनके पास गए तब वो लोग खुश हो गए थे कि चलो हमको छुड़ाने वाला कोई तो है जो आ पहुँचाए। लेकिन यहाँ पर सभी लोग झूठ बोल रहे और सभी लोग मूसा के खिलाफ खड़े हो गए। अभी तब मूसा उनको बोल सकता था कि अगर आपको ऐसा ही बोलना है तो जाओ मरो, मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते, अभी तुमको जो करना है करो, फिर होना आ रहा है, जाओ जाकर उसके गुलाम बन जाओ। लेकिन मूसा के मुँह से जो आवाज़ निकली वो कुछ और थी, और मूसा ने लोगों को ऐसा कहा कि आप शांत रहो और आज परमेश्वर तुम्हें किस तरह से छुड़ाते वो देखो, तुम लोग शांत रहना और परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन देखो परमेश्वर तुम्हें किस तरह से बचाते। जब हम देखते ऐसे लोगों को, ये लोग ऐसी बातें कैसे कर पाते, इतना बड़ा इल्ज़ाम यूसुफ के ऊपर, लेकिन यूसुफ अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोल रहे। अगर बोले तो हो सकता है वो आज़ाद हो जाए, लेकिन नहीं बोल रहे। मूसा देखो, मूसा भी कुछ बोल सकते थे लेकिन मूसा बहुत शांति से उत्तर देते और मूसा ऐसा कहते कि परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे, लेकिन तुम शांत रहो और देखो आज परमेश्वर तुम्हें किस तरह से बचाते। एक बार प्रभु यीशु गेरसानियों के देश में चले गए और जब वहाँ पर चले गए तो वहाँ पर एक इंसान मिला, वो इंसान ऐसा था जिसके अंदर पूरी दुष्टात्मा की सेना थी और वो पत्थर लेकर अपने आप को मारता था और कपड़े पहनता नहीं था और वो इतना डरावना दिखता था कि उस रास्ते से कभी कोई नहीं जाता था, सभी लोग डरते थे वहाँ जाने से। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर पहुँच गए। जब यीशु मसीह वहाँ पर पहुँच गए और यीशु मसीह ने इसकी हालत ऐसी देखी तो यीशु मसीह ने जोरों से आवाज़ लगाई कि हे दुष्टात्मा, इस इंसान को छोड़कर भाग जा। उससे नाम वाला दौड़ कर आया, यीशु मसीह के पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा और बोला समय से पहले हमको पीड़ा ना दे, हमको इस देश से बाहर मत निकाल, लेकिन अगर तू चाहता है हमें छुट्टी दे कि वो जो सुअर है उस सुअर में हम लोग चले जाए, और वो सारी दुष्टात्माएं सुअर के अंदर चली गई और जितने भी सुअर थे वो सारे समुंदर में चले गए और समुंदर में डूबकर मर गए। अभी वहाँ पर जो सुअर को चराने वाले थे उन्होंने ये सारी बातें देखी। जब उन्होंने सारी बातें देखी वो लोग भागकर शहर में गए और शहर में जाकर उन लोगों ने बताया कि बाहर कोई इंसान आया है और उस इंसान ने ऐसा काम किया कि जिसके अंदर सेना थी उसकी सारी सेना निकाल दिए, उसे तो कपड़े पहने हुए
अभी वो हमारी तरह एक सीधा साधा इंसान बन चुका है। जब वो लोग अपने गांव को छोड़कर अपने शहर को छोड़कर जब आए और जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, ये चमत्कार देखा, तो वो लोग यीशु मसीह को बोलने लगे, ए यीशु तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ से निकल जा, हमारे गांव में मत आना, तू हमारे शहर में मत आना, तू यहाँ से निकल जा। अभी देखो यीशु मसीह उनको कुछ और भी बोल सकते थे कि मैंने तुम्हारा कौन सा बुरा किया और फिर भी मुझे भगा रहे हो, तो फिर भुगतो अपना। लेकिन यीशु मसीह के मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकली, लेकिन यीशु मसीह वहाँ से चुपचाप अपनी किस्ती पर चढ़कर वो वहाँ से चले गए। जब सेना वाला यीशु मसीह के पास आया, बोले मैं भी आपके साथ चलता हूँ, तो प्रभु उसने मना कर दिया, बोले तू मेरे साथ मत आ, अपने शहर में जा और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम जो है वो तेरे लिए किए। परमेश्वर चाहते तो इसको बोल सकते थे, अभी तू भी मत जा, इनको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ये लोग सही लोग नहीं है, मैंने इतना बड़ा काम किया तो भी मुझे भगा रहे, तो तू भी मत जा, इनको कोई परमेश्वर का सुसमाचार देने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रभु ने ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं बोला, प्रभु यीशु वहां से चुपचाप अपने रास्ते से वो निकल गए। एक बार प्रभु यीशु सुसमाचार सुना रहे थे, लोगों को उपदेश कर रहे थे, काफी समय हो गया, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला इन लोगों को खाना खिलाओ। चेले बोलते परमेश्वर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम खरीद कर इनको खाना खिलाए, तो तुम्हारे पास है क्या? तो वहां पर एक जवान लड़का था जो खाने के लिए 5 रोटी लेकर आया था, 2 मछली लेकर आया था। तो यीशु मसीह को किसी ने बताया, बोले ऐसे एक लड़का है उसके पास 5 रोटी है, 2 मछली है, तो बोले उसको मेरे पास लेकर आओ। यीशु मसीह ने 5 रोटी ली, 2 मछली ली, उसके ऊपर आशीष मांगी और चेले को बोला सभी को बांट दो, और चेले सभी को बांटते गए, सभी लोग खाते गए, और जिन लोगों ने खाया उनमें 5,000 तो सिर्फ पुरुष लोग थे और स्त्रियां और बच्चे तो अलग थे, उनकी तो गिनती ही नहीं की। अभी इतना बड़ा चमत्कार हुआ, चमत्कार देखकर वहाँ के लोग बहुत खुश हो गए, यीशु तो अच्छे चमत्कार करते, तो उन्होंने क्या कहा, यीशु मसीह आप रुक जाओ। वहाँ पर एक किस्ती पड़ी हुई थी, यीशु मसीह को कहीं और जाना था, बोलते नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे, आप यहीं पर रुक जाओ। जब सभी लोगों ने बहुत जोर लगा लिया तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला आप लोग किस्ती में बैठो और उस पार चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। जब लोगों ने देखा कि यीशु मसीह के चेले चले गए, अब वहां पर और कोई किस्ती नहीं है, तो फिर सभी लोग अपने अपने घर चले गए, यीशु मसीह अकेले हो गए। तो यीशु मसीह पानी पर चलते चलते अपने चेलों के साथ हो गए और वो भी उस पार जहाँ पर जाना था वहाँ पर चले गए। अभी दूसरे दिन क्या हुआ, कुछ लोग जो थे वो यीशु मसीह को ढूंढने के लिए निकले कि आज भी यीशु मसीह के पास चलते, आज भी प्रचार सुनते और प्रचार के बाद यीशु मसीह चमत्कार करेंगे, आज भी मछली खाएंगे, आज भी रोटी खाएंगे। तो कुछ लोग यीशु मसीह के पास चले गए, लेकिन यीशु मसीह उनको मिले नहीं। जब उनको मिले नहीं तो उनको इतना याद था कि चेले को सामने की ओर भेजा था, तो ये लोग बोलते चलो हम भी उस पार चले जाते। ये लोग भी अपने अपने किस्ती लेकर उस पार चले गए, वहाँ पर यीशु मसीह मिले। यीशु मसीह के पास जाकर बोलने लगे, यीशु हम तुझे ढूंढते यहाँ तक आ गए। तो यीशु मसीह ने बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप लोग कौन सा मेरा वचन सुनने के लिए आते हो, आप कौन सा चमत्कार देखने के लिए आते हो, आप तो रोटी खाकर पेट भरता है इसलिए मेरे पीछे आते हो। तो बोले परमेश्वर जिन्होंने मुझसे भेजा है, मुझे इसलिए भेजा है कि तुम लोग मुझ पर विश्वास करो। तो वो लोग क्या बोले, जिन लोगों ने यीशु मसीह के हाथों से वो रोटी खाई थी, मछली खाई थी, 5 रोटी में से 5,000 से ज़्यादा लोगों ने खाना खाया था, वो लोग यीशु मसीह को ऐसा बोल रहे कि तू ऐसा कौन सा चमत्कार करता है कि हम तेरे ऊपर विश्वास करें, जबकि चमत्कार देख चुके थे, चमत्कार से बना हुआ खाना वो खा चुके थे। और वो लोग यीशु मसीह को ऐसा बोले, तू कौन सा चमत्कार करता है कि हम तेरे ऊपर वो विश्वास करें। बोलते हैं समझना, तभी यीशु मसीह उनको बता सकते थे कभी कल की बात है, कल मैंने इतना बड़ा चमत्कार किया, आप लोगों ने रोटी खाई, मैंने अपने हाथों से दिया है रोटी,
आप लोगों ने खाए, मैंने देखा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह वहां पर कुछ भी नहीं बोले। यीशु मसीह वहां से चले गए। ये सभी जगह पर ये लोग उनको कुछ ना कुछ उत्तर दे सकते थे, अपनी सफाई में कुछ बता सकते थे, लेकिन इन लोगों ने अपना मुंह जो है वो मुंह बंद रखा। जब 50वां दिन आया और चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतारे गए, सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और तब भी ऐसा हुआ कि जब ये लोग पराई भाषा बोल रहे तब कोई इंसान था, पर वहां पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं रसूल के कर्तव्य उसका दूसरा अध्याय उसका 13वां पद। हाँ, किसी ने ऐसा बोला कि लोगों ने कुछ नया नशा किया है, कोई नई वाली शराब पी है, और इसलिए पराई पराई भाषा में लोग बोल रहे। अभी देखो सुबह सुबह का समय था, पतरस सभी के बीच में खड़े हो गए और पतरस ने प्रचार करना शुरू किया। तो पतरस प्रचार करने से पहले बोल सकते थे कि भाई साहब अभी तो सुबह है, तेरे जैसे शराबी लोग शराब पीते होंगे सुबह सुबह, हम लोग नहीं पीते शराब, ऐसा कुछ भी उत्तर दे सकते थे, लेकिन पतरस ने ऐसा उत्तर नहीं दिया। पतरस ने बताया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने शराब नहीं पी, लेकिन हम सभी लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हम भरे हुए हैं, और हम पवित्र आत्मा से जो उन्होंने सामर्थ्य दी उससे हम अलग अलग भाषा में हम बोलते रहते। एक बार पतरस और यूहन्ना वो लोग चर्च में जा रहे थे, और वहीं पर एक इंसान था जो भीख मांग रहा था और जन्म से वो लंगड़ा था। कई बार ऐसे लोगों को देखकर कोई बोलता है उसके काम ही ऐसे होंगे जो भुगत रहा है। कई बार लोग ऐसे लोगों की निंदा करते हैं कि उसके काम ही ऐसे होंगे, इसलिए उसके घर वालों ने भी उसको छोड़कर रखा है, इसके कर्म ऐसे होंगे इसलिए देखो आज वो भीख मांगता है। कई बार लोग बोलते हैं कि उसने जो किया है उसी का वो भुगत रहा है। यूहन्ना और पतरस भी वहां से जा रहे थे, वो लोग उसको देखकर रुक गए, और पतरस और यूहन्ना विचार कर रहे कि अगर अभी हमारे साथ यीशु मसीह होते तो क्या होता, क्योंकि यीशु मसीह तो लंगड़े को देखकर तुरंत उसको चंगाई देते थे। बोले आज तो यीशु मसीह हमारे पास है नहीं, लेकिन यीशु मसीह का सामर्थ्य तो हमारे पास है, तो हमें क्या करना चाहिए। वो लोग रुक गए वहां पर, और वो लंगड़े के सामने वो लोग देखने लगे। जो लंगड़ा था उसको भी ऐसा तो तगड़ा माल मिलेगा, क्योंकि पतरस लगातार देख रहा है। तो पतरस ने भी उसके विचार को जान लिया, लेकिन पतरस ने बोला कि हमारे पास कोई सोना नहीं है चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो हम आपको देते, और वो यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जा और चल। और वो इंसान को हाथ दिया, उसको खड़ा किया, और वो तुरंत वो चलने लगा। वहाँ पर कोई ऐसी वैसी बात जो है वो पतरस से नहीं की, लेकिन यीशु मसीह का नाम उस लंगड़े को दिया, और उसका जो लंगड़ापन था वो भी हमेशा के लिए उसने दूर कर दिया। परमेश्वर हमको सिखाते कि तुम्हारे जो दुश्मन है उस दुश्मन को क्या करो, प्रेम करो। जो आपके पीछे पड़े हुए ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर बोलते जो आपको सता रहे उनको आशीष दो। हमारे परमेश्वर ऐसी ऐसी बातें हमको सिखा रहे। परमेश्वर कुछ गलत बोलना हमको नहीं सिखा रहे, लेकिन परमेश्वर जो हमको सिखा रहे वो कौन सी बात है, वो प्रेम करने वाली बात है। परमेश्वर हमको जो सिखा रहे वो प्रेम करने वाली बात सिखा रहे। परमेश्वर कहते कि हमारे परमेश्वर कैसे, तो बोले भले और बुरे दोनों के ऊपर वो अपना सूरज जो है, सूरज की रोशनी वो दोनों के ऊपर देते, अपनी बरसात वो धर्मी और कुधर्मी दोनों के ऊपर अपनी बरसात बरसाते। अगर परमेश्वर चाहे तो जो कुधर्मी है उसके खेतों में बरसात ही ना हो, परमेश्वर ऐसा कर सकते, लेकिन परमेश्वर ऐसा भेद नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर दोनों को प्रेम करते और दोनों को परमेश्वर सब खुश देते। परमेश्वर कहते हैं कि तुम तुम्हारे भाई को अगर ऐसा बोलते तो शांति मिले, तो उसमें कौन सी बड़ी बात। ऐसे तो पापी लोग भी करते अपने ऊपर प्रेम करने वाले को, तो वो भी प्रेम करते अपने आप को उधार देने वाले को, तो वो लोग भी उधार देते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं तुम ऐसा मत करो। लेकिन ये जो प्रेम है ये दूसरे को प्रेम करने वाली बात है, जो हमको सता है उसको आशीष देने वाली बात है, जो हमारे पीछे पड़े उनके लिए प्रार्थना करने वाली बात है। वो कैसे पता चलेगा कि हमारा जीवन सही में ऐसा ही है, हम ऐसे ही जीवन जीते, ऐसा लोगों को कैसे पता चलेगा। एक बार किसी के घर में मैं बैठा हुआ था,
और वहां पर दो औरतें बातें कर रही थी। उसमें एक औरत जो है वो दूसरी औरत को सिखा रही थी कि हमें दुश्मन को प्रेम करना चाहिए, जो हमको सता रहे उसको आशीष देनी चाहिए। और तभी क्या हुआ कि उसके घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो गया। उसके बेटे ने उसकी मम्मी को फोन कर दिया कि मम्मी जल्दी से आ जाओ, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, मेरी पत्नी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। और ये बहन जी उठ खड़े हुए, बोले आप तो जाकर मैं उसको बताती हूँ, यहाँ पर सिखा रहे कि दुश्मन को प्रेम करो। लेकिन जब उसके घर में आया तो बोले मैं अभी जाकर उसको बताती हूँ। अभी वो वहां से ऐसे ही चली गई होती और वहां जाकर चाहे वो लड़ती झगड़ती कुछ भी करती तो हमको नहीं पता चलता। लेकिन उससे उसके मुंह से कुछ शब्द निकले, शब्द ऐसे थे मैं जाकर बताती हूँ उसको। तो शब्द से पता चलेगा कि घर पर जाकर क्या करने वाली, ये भी वहां पर जाकर कोई आशीष नहीं देने वाली लेकिन लड़ाई झगड़ा ही करने वाली। तो हमारा जो भी काम है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो चाल चलन है, वो सबसे पहले कहाँ से पता चलता है? हमारी जबान से पता चलता है। हालेलुया। हमारी जबान जो है वो तुरंत काम करना शुरू कर देती है। आप घर से प्रार्थना कर निकलो कि परमेश्वर मैं आप सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहता हूँ। घर से प्रार्थना कर निकलो, आज तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आप मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हो और तभी सामने से एक बस वाला आ गया, पूरे आपके ऊपर लेकर आए, फिर अंदर से क्या निकलता है? क्रोध आता है, एक गाली अचानक से निकल जाती है। आप सोच कर नहीं गए, आपने सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसा कुछ होगा तो मैं गाली दूंगा, लेकिन जबान ने तुरंत ही काम कर दिया। तो जबान एक ऐसी चीज है जो आपके हृदय के अंदर क्या है वो तुरंत प्रकट कर देती है। और याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, याकूब की पत्री उसका तीसरा अध्याय और उसका छठवां पद पढ़ो तो। जीव भी एक आकर है, हाँ, साढ़े अंगा बेच उस धर्म की दुनिया जीव है जिड़ी सारी देही निकाल लवंदी है ते पावचक्कर नो अग ला दूंगी है ते आप नर्क की आग तो बल चुकी है। देखो जबान के बारे में लिखा है कि हमारी जीव एक ऐसी चीज है जो पूरे पूरी धरती को बोले जला सकती है। ये है कितनी छोटी, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जबान एक ऐसी चीज है जो पूरी धरती को जला सकती है। फिर आगे पढ़ो तो उसका आठवां पद। और जीव में कोई मूर्ख वश में नहीं कर सकता। देखो जबान को कोई भी इंसान वश में नहीं कर सकता। जबान ये जीव हमारे अंदर एक देखने जाओ तो बहुत छोटी है, उसके अंदर एक भी हड्डी नहीं है, है जबान के अंदर हड्डी, लेकिन फिर भी बाइबल में ऐसा लिखा है कि इस जीव को कोई भी वश में नहीं कर सकता। फिर आगे क्या लिखा है? दस तक पढ़ो। पर जीव में कोई मूर्ख वश में नहीं कर सकता, वो एक चंचल बला है, हाँ, वो नाश करने वाली विष नाल भरी हुई है। देखो नाश करने वाली विष मतलब जहर से भरी हुई है। जबान के अंदर क्या भरा हुआ है? ऐसा जहर भरा हुआ है जो नाश कर दे लोगों का, इतना जहर इसमें भरा हुआ है। और देखो हम उसी जबान से हम यहाँ पर बैठकर क्या करते हैं? आराधना करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम सभी को मालूम है जब इकट्ठा होते हम अच्छे से आराधना करते हैं। उसके बाद पूरा दिन मालूम नहीं कहीं ना कहीं किसने कोई ना कोई तो गड़बड़ी हो ही जाती है। इस जबान से उसी जबान से हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, उसी जबान से जिसको परमेश्वर ने ही पैदा किया है, हाँ सभी इंसान परमेश्वर की पैदाई से, और उसी की निंदा करना, उसी को गाली बोलना, उसी के ऊपर क्रोध करना, वो भी कौन कर रहा है? वो भी इस जबान कर रही है। परमेश्वर की आराधना भी कर रही है और साथ में वो लोगों की निंदा भी कर रही है, गाली भी बोल रही है, क्रोध में कुछ भी बोल रही है। जबान को बाइबल ऐसा बोलती है कि उसको कोई भी वश नहीं कर सकता, इस जीव को कोई भी वश नहीं कर सकता, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। अभी देखो ये सब की बात करें तो ये सब
अपनी सफाई में कुछ बोल सकते थे, लेकिन यूसुफ ने अपनी सफाई में कुछ नहीं बोला। यूसुफ ने अपनी जबान को देखो कंट्रोल में किया। मूसा देखो तो मूसा इज़राइल को कुछ भी बोल सकते थे, मैं तुमको छुड़ा कर लेकर आया, मैंने इतनी मेहनत की, आप लोगों को गिड़ गिड़ाए थे, आप लोग रोते थे, आप लोग बोलते थे हमको आज़ाद होना है, और इसलिए परमेश्वर ने मुझे भेजा, और अभी झूठ बोलते हो तो जाओ, मैं भी अभी आपको छुड़ाना नहीं चाहता, जाओ फिर उनके हाथ में जाओ। लेकिन मूसा ने भी अपनी जबान को वश में रखा। सिर्फ मूसा की जगह अपने आप को रखो, यूसुफ की जगह अपने आप को रखो कि अगर हम होते तो क्या होता, और इन लोगों ने क्या किया। मूसा के खिलाफ एक दो लोग नहीं, लाखों की गिनती में लोग बोल रहे हमको मरने के लिए यहाँ पर लेकर आए, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी क्या, हमने तुझे बोला नहीं था कि हमको आज़ाद मत कर, हमको गुलामी करने दे। तब देखो जिसने इतनी मेहनत की है, जिसने फिरौन के सामने इतना काम किया है, जिस फिरौन के घर में वो बड़ा हुआ था उसके खिलाफ जाकर इतना काम किया है, उसके दिल पर क्या बीतेगी, फिर उसकी जबान क्या बोल जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि मूसा की जबान जो है उसमें कंट्रोल है। मूसा ऐसी कोई भी बात जो है वो मूसा ऐसी बातें नहीं बोल रहे। यीशु मसीह को देखो, उनको भी अपनी एक जबान है, उस जबान के ऊपर कंट्रोल है, वो चाहे तो कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। पत्रस देखो, पत्रस भी कुछ बोल सकते थे कि तू खुद शराब पीता है और हमको शराब भी बोलता है, लेकिन पत्रस ने भी ऐसी कोई बात वहाँ पर नहीं की। इन लोगों ने अपनी जबान को कंट्रोल कैसे किया, जबकि बाइबल कहते कोई भी इंसान जबान को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मूसा ने कैसे किया, यूसुफ ने कैसे किया, ये जो पत्रस है उस पत्रस ने भी ये किस तरह से अपनी जिद के ऊपर ये कंट्रोल किया। और ऐसी कोई भी बात जो है वो उन लोगों ने अपनी जबान से अपनी जीव से नहीं निकाली। उनके जीवन में इतना प्रेम किस तरह से, परमेश्वर ने बोला अपने दुश्मन से भी प्रेम करो, ये लोग किस तरह से प्रेम कर पाए। प्रेम वो चीज है जो पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया। प्रेम क्या है? पवित्र आत्मा का फल है। इसका मतलब कि जबान को, इस जीव को अगर कंट्रोल करना है तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसे होगा? पवित्र आत्मा होगे तभी। अगर इंसान पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा तो ही वो इस जबान को, इस जीव को वश में कर सकता है, वरना वो इस जबान को वश में नहीं कर सकता। और बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला कुरंथी उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद। परमेश्वर का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा कहाँ पर वसते? हमारे अंदर, वो हमारे अंदर रहते। और गलातिया में ऐसा लिखा है, गलातिया उसका 4वां अध्याय उसका 6वां पद, अगर किसी जो पुत्र हो ऐसे कार्य परमेश्वर ने अपने पुत्र से आत्मा साडे दिलां विच कर दिता। हाँ, परमेश्वर का आत्मा, पुत्र का आत्मा परमेश्वर ने कहाँ पर दिया है? हमारे दिल में। मतलब पवित्र आत्मा कहाँ पर रहते हैं? हमारे दिल में। बहुत ध्यान से इसको समझ रखें कि पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम। प्रेम कब हो सकता है? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर कहाँ पर रहते हैं? वो सर से लेकर पांव तक फैले हुए नहीं है, लेकिन कहाँ पर रहते हैं? वो हमारे दिल में रहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे दिल में रहते हैं। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 15वां अध्याय और उसका 19वां पद, क्योंकि बुरे ख्याल, खून, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, चूतियां, चुगाइयां, कुफर दिल में जो निकलते हैं। ये सब कहां से निकलते? दिल में होते तभी जबान से बाहर निकलते। हालेलुया। लेकिन दिल में अगर पवित्र आत्मा है तो फिर सारी बातें नहीं दिखेगी हमको। जब दिल के अंदर पवित्र आत्मा है तब हमारे जबान से कौन सी बातें निकलेगी? प्रेम की बातें निकलेगी। फिर सामने वाला चाहे हमारी कितनी भी बुराई करे, चाहे कितनी भी ऐसी बातें करे, लेकिन हमारे मुंह से प्रेम की बातें क्यों निकलेगी? क्योंकि पवित्र आत्मा कहाँ पर बैठे हुए? उस दिल में। और दिल में जो भी सारी गलत बातें थी वो हट चुकी है और वहां पर अभी पवित्र आत्मा बैठे हुए हैं, इसलिए हमारी जबान से कौन सी बातें निकलेगी? प्रेम की बातें। तो उसकी जबान, जिसके दिल के अंदर पवित्र आत्मा है उसकी जबान उसके कंट्रोल में रहती है।
वहां गालियां नहीं निकलती, लेकिन वहां क्या निकलती है, आशीष निकलती है, वहां से प्रार्थना निकलती है, वहां से प्रेम निकलता है उसके उसके लिए, क्योंकि उसके दिल में कौन है, पवित्र आत्मा। लेकिन जब पवित्र आत्मा नहीं, तब जवान कुछ भी बोल देती। एक बार एक भाई साहब थे, तो वो अपने दो तीन मित्र को मिलने के लिए कहीं बाहर जा रहे थे, लेकिन जैसे वो बाहर निकलने लगे, वैसे उनको मिलने के लिए एक और एक मित्र आ गया उनके ही घर पर। समझो आप कहीं पर बाहर जा रहे हैं और आपको ही मिलने के लिए कोई आ गया। ये भाई साहब ने बोल दिया, देखो मैं तीन मित्र को मैं टाइम दे चुका हूँ और मुझे वहाँ जाना है, एक काम कर तू घर में बैठ नहा ले धो ले, और तब तक मैं तीन मित्र को मिलकर आता हूँ, फिर मैं तेरे साथ बैठता हूँ। तो बोले मैं अकेला बैठ कर क्या करूँगा, मुझे भी तेरे साथ लेकर चलो, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है दूसरे। तो बोले मैं नहा लेता हूँ, तू तेरे कपड़े मुझे दे दे, मैं तेरे कपड़े पहन कर आता हूँ। बोले कोई बात नहीं, मेरे कपड़े ले ले। वो नहाया, अपने मित्र के कपड़े पहन लिए और दोनों साथ में गए। अभी पहले मित्र के पास गए तो उसने जाकर बताया, अपना मित्र जो था उसका इंट्रोडक्शन कराया, ये मेरा मित्र है और उसने जो कपड़े पहने ना वो मेरे कपड़े हैं। जब भी कोई इंसान कुछ भी इतना सा अच्छा काम करता है ना, तो ये भी चाहता है कि लोगों को पता भी चले। अब ये जो भाई साहब थे पहले तो खुश हो गए कि बताया मेरा मित्र है, लेकिन फिर बोल रहे उसने जो कपड़े पहने ना वो मेरे। उसको अंदर से पूछता है कि करे भी क्या, कपड़े तो उसी के पहने। बाहर निकले तो उसने उसके मित्र को बोला कि तूने मेरी पहचान दी, कपड़े के बारे में बताने की क्या जरूरत है, कपड़े का कोई जिक्र तो है ही नहीं, कपड़े की बात ही नहीं थी। तो देखो अभी दूसरे मित्र के वहाँ जाते हैं ऐसा बोलना नहीं कि मेरे कपड़े पहने हुए। बोले ठीक है। अभी दूसरे मित्र के पास गए तो वहाँ गए तो वहाँ पर भी पहचान करा, ये मेरा मित्र है और उसने जो कपड़े पहने वो मेरे नहीं है, वो उसी के है। अभी वो वापस परेशान हो गए। वहाँ से जब बाहर निकले तो वापस उसको बोला कि भाई साहब ऐसा बोलने की कहाँ जरूरत है कि आपके कपड़े नहीं है मेरे। जब ऐसा बोल सामने वालों को डाउट जाएगा कि ऐसा बोला क्यों, मतलब तेरे ही कपड़े हो गए, तो सामने वालों को तो ऐसे ही पता चल जाएगा। कपड़े के बारे में जिक्र ही मत करो, अभी जहाँ पर जा रहे कपड़े के बारे में जिक्र मत करो, तेरे हो या मेरे हो कपड़े से क्या फर्क पड़ता है। तो बोले ठीक है। अभी तीसरी जगह पर गए वहाँ पर भी पहचान कराए, ये मेरा मित्र है और उसने जो कपड़े पहने उसके हो या मेरे क्या फर्क पड़ता है। जबान पर कंट्रोल नहीं, जिप पे ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल नहीं। कंट्रोल क्यों नहीं, क्योंकि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं। एक बार एक बुढ़ी सी औरत थी और गांव के बाहर कुछ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गई थी, और वहां से वो आ रही थी। जब वो आ रही थी तो रास्ते में उसको एक साधु मिल गया। वो साधु हर बार उसके घर पर जाया करता था, हफ्ते में एक बार उसी गांव में भीख मांगने के लिए आता था। उस साधु को देखा तो साधु को बोला कि साधु क्या मेरे घर पर गए थे। बोले हाँ। तो बोले मेरी बहू मिली। बोले हाँ मिली। तो बोले कुछ दिया आपको। बोले आपकी बहू ने तो ऐसा बोला कि यहाँ से आगे चले जाओ कुछ नहीं मिलेगा। बोले मेरी बहू ने ऐसा बोला। बोले हाँ सच में मेरी बहू ने ऐसा बोला। बोले हाँ चलो मेरे साथ वापस। साधु को लेकर गए अपने घर पर लेकर गए। साधु को बोला यहीं बाहर दरवाजे के पास खड़े रहो। अंदर गए बहू को बुलाए, हे बहू बाहर निकल, ये साधु जी आए थे। बोला आए थे, भीख मांगी थी। बोले मांगी थी। तूने क्या उत्तर दिया, तूने ऐसा बोला कि कुछ नहीं आगे जाओ। तो बोले हाँ मैंने ऐसा बोला। तू कौन होते बोलने वाली, ये घर मेरा है, मैं बोलती साधु जाओ कुछ नहीं है। बहू कौन होती बोलने वाली, मैं बोलूंगा। जिप के ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए, जो कंट्रोल वाली बात होनी चाहिए, वो कंट्रोल वाली बात इसलिए नहीं है कि जब इंसान के अंदर पवित्र आत्मा नहीं। और बाइबल में लिखा है इंसान याकूब की पत्री में उसका चौथा तीसरा अध्याय और उसका दूसरा पद 3:2। इसलिए जो अभी सब सबसे भुलन हार हाँ जो कोई वचन विच ना भुले तो वह सिद्ध पुरुष है अते सारी देही नु भी लगाम दे सकता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो बोलने में गलती नहीं करता, विशेष रूप जो बोलने में गलती नहीं करता वो संपूर्ण इंसान है। गलती कब नहीं होगी, जब पवित्र आत्मा से भरकर जब इंसान चलता जाएगा तब उससे गलती नहीं हो सकती, वो संपूर्ण बन सकता है और सभी को कंट्रोल में कर सकता है, सभी को वश में कर सकता है। और नित्य वचन में ऐसा लिखा है, नित्य वचन कहो तक
उसका 18 अध्याय। और उसका 21वां पद कोई पढ़ो तो, मौत अते जीवन दोनों जीव के वश में हैं। देखो मौत और जीवन किसके वश में है? जीव के वश में है। फिर मौत अते जीवन दोनों जीव के वश में हैं। हाँ, अते जो उसके साथ प्रीत रखते हैं ना, वो उसका फल खाएंगे। दोस्त के साथ फल खाएंगे? नहीं, दोस्त के साथ प्रीत रखते हैं। हाँ, प्रेम। क्या सही में ऐसा लिखा है यहाँ पर कि जो उसका जैसा इस्तेमाल करेगा ऐसा उसको फल मिलेगा। हाँ, जीव ऐसी है कि उसके वश में मौत भी है, उसी के वश में जीवन भी है। अभी जीव के वश में किस तरह से मौत, अगर देखना है यहाँ से बाहर चले जाओ और किसी को भी पकड़ को दो चार गाली बोल दो तो पता चलेगा मौत है इसके हाथ में, सामने से क्या आएगा पता चल जाएगा। लेकिन किसी के भी पास जाकर उसको आशीष दो तो वहां से क्या मिलेगी हमको? वो भी हमको आशीष देगा। अगर हम किसी को गाली देंगे तो सामने वाला क्या देगा? वो भी तो गाली देगा। लेकिन हम किसी को आशीष देंगे तो हमको भी क्या मिलेगा? हमको भी आशीष मिलेगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव के वश में मौत भी है, जीवन भी है। जो उसका जैसा इस्तेमाल करता है वैसा फल उसको मिलेगा जैसा हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जीव जो है उसका इस्तेमाल हमारे हाथ में होना चाहिए, वो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, वो हमारे वश में होनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जीव है उसको कोई भी वश नहीं कर सकता, उसको कोई भी इंसान जो है वो वश नहीं करता। लेकिन कई लोगों के बारे में हमने देखा कि वो वश कर सकता है। एक बार एक साधु था तो किसी के घर में चला गया और वहाँ पर एक औरत थी, उसको बोला कि ये माता पानी पिलाओ। तो वो अंदर से ले जाकर अच्छा सा पानी, ठंडा पानी लेकर आई और उसको पिलाया। एक दूसरा साधु देख रहा था, उसको भी प्यास लगी थी, वो भी वहाँ पर आया और आके बोलता है मेरे पिता की बीवी पानी दे। अभी क्या उसको पानी मिलेगा? अभी देखो दोनों का मतलब क्या होता है। एक बोलता है माता, माता का मतलब क्या होता है? पिता की पत्नी है माता है। लेकिन दूसरे का बोलने का तरीका कुछ अलग से, तो उसको क्या मिलेगा? मतलब इस जबान जो है उसका सही से इस्तेमाल हमें करना है, सही से इस्तेमाल करना है। और सही से इस्तेमाल वही कर सकता है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जो प्रेम से भरा हुआ है। जो वचन आज हमने पढ़ा था रसूल आदे करता और उसका दूसरा अध्याय हमने पढ़ा था और 1 से लेकर 4 पद हमने पढ़ा, वहां पर यह बात हुई कि पवित्र आत्मा को उतारे गए और सभी लोग पवित्र आत्मा से भरकर पराई भाषा में बोलने लगे। लेकिन पढ़ो तो उसका 4वां पद पढ़ो तो, पवित्र आत्मा नाल भर गए अते होर बोलियां बोलन लग पए जिवें आत्मा ने उन्हां नूं बोलन दिता। हाँ, जिस तरह से आत्मा ने उनको बोलने दिया उसी तरह से जबान बोलती गई। हालेलुया, वो ध्यान समझना। कैसे जबान बोलती गई? ये जीभ कैसे बोलती थी? जैसे आत्मा ने उनको बोलने दिया। यह आत्मा कौन सा था? यह आत्मा कौन सा था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने जैसी जैसी सामर्थ्य इनको दी उस सामर्थ्य के साथ वो पराई भाषा बोलने लगे। जबान कौन सी भाषा बोलने लगी? जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उनको मिली वो जब वो भाषा जो है वो जबान बोलने लगी। ये जीव वो बोलने लगी जो आत्मा के सामर्थ्य से उसको सामर्थ्य मिला। तो जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होता है तो लोग पवित्र आत्मा की बातें करते, लेकिन जो लोग गाली बोलते, जो लोग निंदा करते, जो लोग ठट्ठा करते, वो लोग उनकी जबान, उनकी जो जीभ है वो कौन से आत्मा की सामर्थ्य से बोलती है? दुनिया में दो ही आत्मा है, एक पवित्र आत्मा और दूसरा शैतान का आत्मा। आपकी जबान का इस्तेमाल या तो पवित्र आत्मा करते या तो दुष्ट आत्मा करती है। आपकी जबान या तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बोलती है या तो आपकी जबान जो है वो दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य से बोलती है। अभी तय हमें करना है कि हमें कौन से आत्मा की सामर्थ्य हमारे जबान को बोलने देना है, कौन से आत्मा से
हमारी जबान को हमें इस्तेमाल करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम संपूर्ण हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जबान से सिर्फ आशीष निकले, हमारे जीव से सिर्फ प्रेम की बातें निकले, हमारी जबान से लोगों के लिए आशीष की बातें निकले, तो हमें किसकी ज़रूरत है? हमें पवित्र आत्मा की सख्त ज़रूरत है। अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जबान नहीं बोलती तो किसकी सामर्थ्य बोलेगी? दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य। जब दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य बोलेगी तो इस जबान के अंदर तो मौत का भी सामर्थ्य, वो हमको कहाँ पर लेकर जाएगी? जबान हमको हमें नरक में लेकर जाएगी। और इसलिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इतने सामर्थ्य हो जाओ कि जबान को आप कंट्रोल में रख सको, कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है, ताकि पवित्र आत्मा आपकी जबान का इस्तेमाल कर सके और जो सही बात है वही बात आपकी जबान से वो निकलने पाए। अब हम हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए, जो हमारे राजा है, जो हमारे महान परमेश्वर है, जो हमारे बीच में है। थैंक यू मेरे प्रियो, ये समय है कि हम अपने आप को जांचे, हम अपने आप को परखे कि मेरी जो जीव है वो कौन सी आत्मा से बोलती है, मेरी जीव के अंदर जो सामर्थ है वो कौन सी आत्मा का सामर्थ्य। यीशु मसीह के चेलों के जीव के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। अगर आज मैं यीशु मसीह का चेला हूं, अगर आज मैं यीशु मसीह के पीछे चलती हूं, तो मेरी जीव के अंदर कौन सा सामर्थ्य है? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, क्या आपकी जीव कौन से शब्द को बाहर निकाल रही है, कौन सी बातों को बाहर निकाल रही है। उससे खुद को पता चल जाएगा कि वो सामर्थ्य कौन से आत्मा का है। अगर आपका आत्मा, अगर आपका दिल अंदर से आवाज दे रहा है कि तेरी जीव वो शैतान की आत्मा से पुकार रही है, शैतान की आत्मा से शब्द निकाल रही है, वो शराब निकाल रही है, वो गालियां निकाल रही है, तो मेरे प्रियो आज समय है कि हम परमेश्वर को, हमारे प्राण श्री आत्मा को समर्पित कर दें और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दो, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के चलाए चलूँ और सिर्फ पवित्र आत्मा के बुलाए बोलूँ। क्योंकि ये जबान अगर शैतान की आत्मा से बोलेगी तो हमको नरक में लेकर जाएगी, अगर स्वर्ग में जाना है तो पवित्र आत्मा से भर जाओ और पवित्र आत्मा की सहायता से, उनके सामर्थ्य इस जबान को इस्तेमाल करो, ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद।